बहुत अच्छी गेंद अपने खड़े होकर गेंद रोकने की कोशिश की बल्ली की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जाई और इसी दरमियान एक और रन जोड़ दिया है टीम के टू। बहुत अच्छा एक्चुअली आई एम योर एक्चुअली, मेरे बहुत दोस्त खेल रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे, सो मेरे हस्बैंड भी खेल रहे हैं एंड सो आई रियली डोंट नो विच टीम टू सपोर्ट क्योंकि ऑल माय फ्रेंड्स आर हियर जिनको मैं सालों से जानती हूँ, सो इट्स ऑलवेज फन और क्रिकेट तो मज़ा ही आता है देखने में। एंड ये आज मतलब जो मैचेस चल रहे हैं मुझे ये लोग सब एक्टर्स कम क्रिकेटर्स ज़्यादा लग रहे हैं, इतने अग्रेशन के साथ खेल रहे हैं, सो इट्स गुड फन। ओके, आप अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो किससे ज़्यादा प्रेरित होते हैं या किसको आप ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? ऑब्वियस आंसर है बट विराट कोहली, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, सो या। ओके, इसके अलावा यहाँ पर किसी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं या जो आपके पसंदीदा जो अच्छे खेल रहे हैं? देखिए, सपोर्ट तो मैं होल हार्टेडली दिल्ली टाइटंस को कर रही हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड भी हैं और उनके जो कैप्टन हैं मानव मेरे को स्टार भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो दिल्ली टाइटंस डेफिनेटली। बट जैसा मैंने कहा कि बहुत टीम्स हैं जिनमें मेरे दोस्त हैं एंड दी अदर टीम दैट आई वुड ट्रूली सपोर्ट इज वरुण बडोला की जो टीम है चेन्नई, so yeah these are the two teams. बिग बॉस में मेरे बहुत बहुत करीबी दोस्त हैं एजाज खान, बहुत ही करीबी दोस्त हैं मेरे, सो या आई एम ऑब्वियसली वोटिंग फॉर हिम एंड होपिंग दैट ही विंस एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो फाइनल्स तक जरूर पहुँचे। इसके अलावा कोई दूसरे कोई स्टार आपको लगते हैं जो काफी बात की जा रही है जैस्मिन की जो अली के साथ है उसको लेके या रूबीना के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ये कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल ना मुझसे जब पूछते हैं तो, बट आई बेसिकली फील कि जैस्मिन के बारे में मैं जैस्मिन को जानती नहीं हूँ बिल्कुल भी, आई हैव नेवर मेट हर इन माई लाइफ, पर जितना भी मैंने बिग बॉस में देखा है मुझे वो थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुल लगी एंड आई एम श्योर उनके रीजंस होंगे उस घर में जाकर, आई थिंक यू नो माइंड गेम्स अलग ही होते हैं बट मुझे वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लगी एंड आई थिंक एजाज के साथ उन्होंने बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव किया है एंड आई थिंक एज एक्टर्स हमने यही सीखा है कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए इरिस्पेक्टिव, क्योंकि कल आप सीनियर्स होंगे और आप जो नए एक्टर्स आएंगे अगर वो आपको रिस्पेक्ट ना दें तो हाउ वुड यू फील, सो आई थिंक दैट इज़ माई दिस थिंग कि यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड दैट्स व्हाट आई फील अबाउट हिम। राखी सावंत आई लव, आई एम सो ग्लैड कि वो बिग बॉस में आई, शी इज़ अ ट्रू एंटरटेनर एंड वो इतनी मज़ेदार है मतलब, एंड आई थिंक शी इज़ द मोस्ट क्लीन हार्टेड पर्सन वहाँ पर, वो जब मतलब अपनी अच्छाई बुराई आप जो भी कर लो वो सब दिल से लेती हैं, दिल से एक्सेप्ट करती हैं और दिल से देती भी हैं जो भी देती हैं, सो आई टोटली लव हर। बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, आज हमारा रात का मैच है। कितनी तैयारी की आपने, काफी वार्म अप किया? नहीं, अभी तो थोड़े से नेट्स किए, कल हमने ऑलरेडी मैच खेला है तो हम लोगों ने थोड़ा बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं और मैच से पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे। कुछ डर है मतलब अपने कॉम्पिटिटिव टीम से के साथ कुछ आपने का है मतलब? नहीं, हम डर के नहीं खेलते, हम शेरों की तरह खेलते। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट टीम के, आप किसके लिए? यार अब डिपेंड करता है, मुझे कई प्लेयर्स, मुझे युवराज बहुत पसंद था, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, अब वो खेल नहीं रहे तो और भी दो तीन प्लेयर्स हैं जैसे राहुल खेलता है मुझे अच्छा लगता है, सैमसन की बैटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। यार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए, यही एक प्रॉब्लम है, दो तीन ही सेशन हुए लेकिन जितनी भी कर सकते थे हम लोगों ने पूरी कोशिश की और बाकी हम कोशिश करेंगे ग्राउंड में अच्छे से परफॉर्म। मेरा बचपन का सपना ही क्रिकेटर बनने का, तो मैंने बहुत क्रिकेट खेली है और आपको पता ही है BCL में आई एम स्टार, सो क्रिकेट तो मेरा बचपन से ही पैशन है। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बिग बॉस, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता वो क्या है और ना मुझे जिस तरीके से वहाँ बिहेव करते हैं, जब व्हेन यू फील हेल्पलेस समबडी इज टॉकिंग टू यू और यू कांट रेस्पॉन्ड प्रॉपरली और आपको चुप रहना और वो पता है आपको वो गलत बोल रहा है फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो आई डोंट वॉन्ट टू फील दैट हेल्पलेस इन माई लाइफ एंड आई कांट टेक इट। मैं जाट आदमी हूँ, मेरा हाथ पहले चलता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग, सुयश भी मेरा फ्रेंड है, ये भी था वहाँ,
ईश्वर भी अभी अली गोनी है जिसे मैं जानता हूँ, पवित्र पुनिया है यार, वो शो है, शो के लिए करते हैं, जनरली इन लाइफ इज वेरी चिल्ड आउट, वो शो के लिए कभी कभी क्या होता है, शो के लिए भी लोग यू नो क्या लगता आपको जैस्मिन और अली की जो बारे में कहा जा रहा है, तो दोनों की नफरत है, शादी होगी या शो के लिए? यार आई हैव नो आइडिया, अगर उनके बीच में असली प्यार है तो आई विश देम लक, मैं तो चाहूंगा यार एक हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे अली को? बिल्कुल सपोर्ट करूँ, क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा यार, दोस्त है मेरा। थैंक यू सो मच। क्या क्या करने वाले आज आप अपनी टीम को बूस्ट करेंगे? टीम ऑलरेडी एक्साइटेड है, हम भी एक्साइटेड हैं पूरी लीग को लेकर, और आज का मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वी प्लेइंग अगेंस्ट अहमदाबाद, सॉरी वी प्लेइंग अगेंस्ट चेन्नई टुडे, और कुछ अलग नहीं करना है, बस बेसिक क्रिकेट खेलना है, और आई थिंक उसी में से नतीजा निकलेगा, बिकॉज हाँ जी। कितना प्रिपरेशन किया आपने? प्रिपरेशन किया हुआ है जितना ज़रूरी है उतना, सारे बॉयज का मनोबल से लेकर फिटनेस के लेकर, आई थिंक दोज बेसिक थिंग्स दैट वी वर्क ऑन, बाकी उससे ज़्यादा वी प्लेइंग टू हैव फन राइट। प्रैक्टिस में रेगुलर सेशंस रहे सभी के लिए, तो वो किए, उसके अलावा टीम मीटिंग्स किए हैं, साथ में मिलकर एक यूनिट बनाने के लिए जो होता है वो सारे बॉय साथ में आगे हैविंग फन वाला भी जोन था थोड़ा सा, सो वो सब किया है जो जरूरी है इतने टाइम में, जितना हो सका उतना किया हम सब। सर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब सीरियल भी करना और ये भी करना? मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत सपोर्ट है मेरे पास प्रोडक्शन का भी, सो बहुत पहले बता के रखा था डेट्स हैं, और दिलीप का भी सपोर्ट है, और जब जब नियत होती है ना तो काम हो ही जाता है, क्रिकेट को लेकर नियत इतनी स्ट्रांग है कि अपने टीम इंडियन टीम में इस वक्त तो आई एम लविंग द स्पिरिट ऑफ हार्दिक पांड्या, बहुत अच्छी फिटनेस, एटीट्यूड और टैलेंट सबका मिश्रण बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बिग बॉस में, आप कम से कम आप पसंद कर रहे हैं या आपके कई सारे टेलीविजन पे? मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ, क्यों देखना चाहिए? नहीं मतलब बस आप सारे टेलीविजन एक्टर देखते हैं, हर कोई जाना चाहता है। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं अपना सीरियल भी नहीं देखता हूँ, टाइम नहीं मिलता, जब टाइम मिलता है परिवार के साथ बिताऊंगा कि बिग बॉस देखूंगा, आप बताइए। ऑलराइट थैंक यू, थैंक यू। क्या क्या करते आप? सिंगिंग करते, एक्टिंग करते हैं, धमाल करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्या क्या करते हैं? मुझे जो मौका मिलता है मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इट्स लाइक जो आपको चांस मिले, जब आपको जिस चीज़ से खुशी मिल रही है वो कर लेनी चाहिए, एंड क्रिकेट इज समथिंग व्हिच गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, तो जब जब मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का मैं पहुँच जाता हूँ। एक बार फिर से आ गया, मल्टी टैलेंटेड है आप? हाँ मतलब आप बोल रहे हो तो मान लेता हूँ, बट नहीं ऑफ कोर्स आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हाँ क्रिकेट में कुछ ज़्यादा मजा आता है। किस तरह की तैयारी की है आपने? थोड़ा कुछ ज़्यादा तैयारी बहुत है, मैं कल का मैच नहीं खेल पाया था, मैं पहले अनफिट था, बट आई हैव कम टुडे एंड मैंने प्रैक्टिस किया, वार्म अप किया, आई एम फीलिंग मच बेटर, सो आई एम होपिंग आई एम गोना प्ले टुडेज मैच एंड अच्छा रहेगा, कल मैच हारे हैं सो नेक्स्ट दोनों जीतने कंपलसरी हैं, सो वी जस्ट ट्राई टू डू दैट। इसलिए आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की? हाँ मैंने बहुत सारी, आते आज मैं जल्दी आ गया था, कैप्टन को प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आ गया प्रैक्टिस करूँगा, मैंने की है, सो लेट्स सी व्हेन आवर बॉस। बिग बॉस काफी चल रहा है, आपकी राय तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप जो बोलते हैं भाई, मतलब यार सी आई लव अली इन द हाउस, ही इज ब्रिलियंट, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड आल्सो, बट जैसे मुझे रूबीना बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी बीच में, बट अभी वापस थोड़ा सा उनका लग रहा है, आई थिंक वो उस घर का वो है, एक कैरेक्टर है कि कोई किसी हफ्ते बहुत ऊपर होता है, फिर कोई बिल्कुल नीचे जाता है, सो वो ऑप्शन डाउन जाते रहते हैं, बट आई थिंक अली इज़ डूइंग रियली वेल एंड आई होप वाइल्ड कार्ड जीत जाए इस बार, यार अभी तक कोई वाइल्ड कार्ड आई थिंक जीता नहीं है, तो आई थिंक अली और जैस्मिन के बारे में काफ़ी बात हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या शादी करेंगे? यार सी आई टेल यू व्हाट, आफ्टर हाउ जैस्मिन्स पेरेंट्स यू नो रिएक्टेड, थोड़ा सा वो ऑफ लगा था, बट अली बहुत प्यार करता है उससे, इवन जैस्मिन डज इट, सो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं, जिस दिन वो जब वो गई जैस्मिन और अली रोया था, मैंने वो एपिसोड देखा था, आई माई सेल्फ हैड टीयर्स इन माई आईज, मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम, बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स, जब उस घर से कोई आपका जो आपकी बैकबोन हो और आपका थ्रू आउट सपोर्ट बना हो, एकदम से वो चला जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सो आई नो व्हाट अली वाज गोइंग थ्रू, बट आई होप अली विल देयर एंड आई होप दे गेट मैरिड ऑल्सो। आपको
राखी बहुत क्यूट लगती है मुझे, फ्रेंकली बहुत ही ज्यादा क्यूट और बहुत ही ज्यादा स्वीट है, एंड उनके पर्सनल रियल लाइफ में भी जानता हूँ, सो आई नो हाउ शी इज, शी इज अ वेरी, वो हार्मलेस है, वो किसी का बुरा ऐसे जान के नहीं कर सकती, वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी बोलें करें, दैट इज राखी सावंत फॉर यू, बट ऐसा उनका कोई मोटिव नहीं होता किसी को हर्ट करने का, सो आई थिंक शी इज, शी इज अडोरेबल, शी बहुत ही ज्यादा क्यूट। रूबीना को आपने क्यों समझा कि ये टफ कॉम्पिटिटर है? रूबीना वाज डूइंग रियली वेल यार, स्टार्टिंग से जितना भी देखा, शी इज वेरी स्ट्रांग, उसके अपने घर के मुद्दे को लेकर, उसके अपने उसकी खुद के ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस हैं, एंड शी टेक्स पार्ट इन ऑल द घर के जितने मुद्दे एक्टिविटी सब में शी टेक्स प्रॉपर पार्ट इन इट, आई थिंक शी इज ओवरऑल अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? वैलेंटाइंस रिलीज है गाना अगला, फिर एक मार्च में और है, फिर अप्रैल में, अभी बैक टू बैक सॉन्ग्स हैं, सो आई एम जस्ट बिजी मेकिंग म्यूजिक राइट नाउ, नथिंग एल्स। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओ गिटार भी है तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये खींच गया ना मेरे से गड़बड़ हो जाएगी। आई थिंक सेकंड मैच है, फर्स्ट मैच थोड़ा सा टाइट हो गया था, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट, बट बहुत टाइट मैच था, राइट, चीजें लास्ट ओवर में से एक ओवर में चेंज हुई थी, बट आई थिंक वी हैव लेफ्ट द रिजल्ट एट द बैक, पीछे छोड़ के नेक्स्ट मैच के लिए हम फोकस हैं, और जो भी छोटी मोटी चीजें थी जहाँ पे हमें वर्क करना चाहिए था, वी हैव बीन वर्किंग ऑन, एंड अगेन ऐसा खेलेंगे जैसे आज फर्स्ट मैच खेल रहे हैं, फुल एक्साइटमेंट। ओके, और आपकी कोई फेवरेट प्लेयर है और या इंडियन क्रिकेट टीम? इंडियन क्रिकेट में हमेशा से मेरे फेवरेट प्लेयर एमएस रहे हैं, धोनी, ऑल्दो ही इज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट इंटरनेशनल क्रिकेट से, इनफैक्ट नॉट ऑल फॉर्मेट, यस, बट ही इज स्टिल माय फेवरेट क्रिकेटर, एमएस धोनी। ओके सर, बिग बॉस लोग काफी देख रहे हैं, तो आप फॉलो कर रहे हैं, आपकी कोई फेवरेट है? नहीं, मैं बिग बॉस वैसे फॉलो नहीं करता हूं, मेरी वाइफ बहुत फॉलो करते हैं बिग बॉस डेडिकेटेडली, बट यस, मेरा फ्रेंड अली, माय लवली डियर फ्रेंड अली, वो है उसमें, आई थिंक ही इज डूइंग रियली गुड, सो आई विश फाइनल तक जाए, इनफैक्ट वो बिग बॉस विनर बने, सो या। अली और जैस्मिन के बारे में काफी बात की जा रही, इमोशनल हुए थे उसको लेके, आप कुछ आपने देखा वो एपिसोड अली और जैस्मिन? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट, बिकॉज़ उस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं एपिसोड देखा नहीं, और बाद में मैं देखा नहीं, बिकॉज़ मैं इतना फॉलो नहीं किया था, बट यस I've heard a lot and I saw the clippings of that thing. Very sad to see because Ali बहुत बुरी तरह breakdown हुआ था उसके। आपको लगता है दोनों शादी कर पाएंगे या Big Boss के लिए? But I think ये उनका personal decision है। There are a lot of things that they will decide. Ali जब बाहर आएगा तो they will decide. जो भी चाहेंगे कि सब कुछ सही हो, but you never know. They have to decide it. They are the mature ones. Okay. Thank you sir so much. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. तो सबसे पहले सर कितने एक्साइटमेंट है सर, आप चेन्नई धोनी टीम क्या है, मतलब ये सर एक्साइटमेंट? बहुत एक्साइटमेंट है, दिल्ली के साथ हम लोग प्रीवियसली दो मैचेस खेल चुके हैं और कल हम हार चुके हैं अहमदाबाद के अगेंस्ट, तो इसलिए एक्साइटमेंट बहुत है कि हमें ये मैच जीतना है। और कितनी प्रिपरेशन किया सर आपने, मतलब? हमने काफ़ी एक्चुअली एज ए टीम हमने बहुत अच्छी तरह से बॉन्ड किया हुआ है और नेट्स में बहुत प्रैक्टिस की है हमने, अब बस ये देखना है कि एज ए टीम हम कैसे मैच में साथ में, क्योंकि टीम का ये होता है कि अगर आपकी टीम एकाग्र है और आप साथ में जेल करते हैं एज यूनिट, तो आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी बेटर हो जाती है। मेरे तो सब फेवरेट हैं, बट आई रियली लाइक एम एस धोनी, आई थिंक ही इज बीन माय ऑल टाइम फेवरेट, सो उनका जो काम काम में से उनका कंपोजर है और जैसे वो खेलते हैं, ही इज एन इंस्पिरेशन कंप्लीट। मैं बिग बॉस नहीं देखता, आई डोंट नो, मेरे को I can say वो बहुत ज़्यादा negativity लगती है। आपके कोई friend हैं? जी, इजाज़ हैं वहाँ पे, इजाज़। इजाज़ को काफ़ी लोग बुरा भला कह रहे हैं, senior होने के हम कुछ कहना चाहेंगे? I think गलत बात है, ऐसे किसी को कहना नहीं चाहिए। काफ़ी कुछ बोला है, निकी ने कुछ कहना चाहिए इजाज़ के लोग? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बिग बॉस का एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट हो जाता है कि लोग अपने अच्छे बिहेवियर पर भी होते हैं और सबसे खराब बिहेवियर भी। आई एम श्योर आफ्टर ये शो खत्म होता है तो जाके अपोलॉजीज बहुत होती होंगी और वो सारी जो कहा सुनी वो सारी खत्म हो जाती है। कोई लोग गेम खेलते हैं जैसे एक गेम होता है, कोई लोग जेन्युइनली उनकी नेगेटिविटी निकल के आती है, बट आई थिंक यू व्यूअर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, बट आई डोंट थिंक इट्स मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट अगर है तो अच्छी बात है। आप कब जाएंगे? लेट्स सी।
when I'm ready, I think so then. Okay, thank you so much, sir. आज के लिए सबसे आज एक्चुअली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैच है, उसके लिए तैयारी तो ऑलरेडी चल रही है, पीछे वी आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट. सो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैच है बिकॉज ये हमें जीतना बहुत जरूरी है, बिकॉज लास्ट नाइट वी लॉस्ट एंड इट्स वेरी नेसेसरी दैट वी शुड विन टुडे. ओके, और कितने प्रैक्टिस किया आज आपने? आज हमारी प्रैक्टिस एक्चुअली अभी स्टार्ट हुई है वहाँ पे. आई एम अ ओपनिंग बॉलर, सो अभी तक मुझे बोला नहीं है हमारे कोच सर ने कि आ जाओ प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू बी फ्री. वो चाहते हैं कि मैं एक्चुअली पिच पे ही जाके आई शुड गो एंड बॉल. पहले मुझे ज़्यादा थकाते नहीं है वो, सो दैट्स गुड. सर, बिग बॉस कितना देख रहे हैं? कोई देख रहे हैं आप? मैंने लास्ट सीजन फॉलो किया था, बट ये सीजन मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली दो शोज कर रहा हूँ, सो इसीलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा. लेकिन तभी भी अगर कोई आपको कोई फ्रेंड्स दे रहे हैं, टेलीविजन के हर कोई फ्रेंड जाते ही रहते हैं. कोई नहीं है, सो सॉरी फॉर दिस. इट जस्ट आई हैव बीन टोल्ड दैट फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड्स दैट यू नो द गेम दे आर प्लेइंग इट्स काइंड ऑफ इमैच्योर, एंड मैंने ये सुना है, मुझे नहीं पता क्या है. सो आई विल ट्राई टू वॉच इट एंड उसके बाद आई कैन गिव माय ओपिनियन. आप जाना पसंद करेंगे? बिग बॉस, या ऑफ कोर्स आई लव इट. एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी तो वहीं जाके बनती है, अगर आप जब गेम खेलते हो या बिग बॉस के अंदर जाके ही बनती है जो भी है. So of course I would love to go there. Thank you so much. Thank you. क्या क्या करने वाले हैं आप? टीम को किस तरह से cheer up कर रहे हैं आपके? Cheer up भी अगर मैं ही करूंगा तो बाकी लोग क्या करेंगे यार. कप्तानी अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, और जहां तक करने का सवाल है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों. कल का मैच खैर इतने समय के बाद सबकी किट्स खुले हैं, बहुत दिनों के बाद जो है खेल शुरू हुआ है, सो ऑब्वियसली थोड़े रस्टेड भी थे. एक हल्का था थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए होता है कभी कभी फील्ड पे उतरना, उससे पहले नर्वसनेस होती है, लेकिन एक बार आप खेल ले तो फिर वो ऑब्वियसली योर नर्व्स टेंड टू सेटल डाउन. होपिंग कि आज द टीम विल परफॉर्म बेटर. कौन सी कप्तानी को आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम की, मतलब अगर कप्तानी को अगर हम देखें, कौन से कप्तान को आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. कप्तानी में आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते, वो आपकी जो टीम है और आपके पास जो प्लेयर्स हैं उसके हिसाब से आपको कप्तानी करनी होती है. कप्तानी का कोई सेट पैटर्न नहीं होता है इससे, तो सिचुएशन के हिसाब से जो सबसे मुनासिब डिसीजन हो वो आपको लेना होता है, एंड दैट्स हाउ द गेम गोज. सर, कितना प्रैक्टिस करा है आपने अपने टीम के साथ? नहीं, ये मेरा पहला मैच था कल जो मैंने खेला, कॉम्पिटिटिव मैच इस सीजन का. 4 साल हो गए क्रिकेट खेले हुए, लेकिन ये है कि मसल मेमोरी पे अभी खेल रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके वो जो सर अब उठने लगा है वो अपने आप नीचे जाना शुरू होगा, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी थोड़ा थोड़ा करके. और सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, बिग बॉस काफ़ी चल रहा है, तो बिग बॉस आप देख रहे हैं, आपको कोई फ्रेंड है बिग बॉस के अंदर? मैं बिग बॉस देखता ही नहीं हूँ. थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक. मैम, कितने एक्साइटमेंट है आप सर आज कप्तानी करने वाले हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक वक्त था जब हम लोग लगातार सारे मैचेस में जाते थे, वी शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, और फिर कोरोना भाई साहब आ गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ. तो अब मैं उसके बाद आ रही हूँ कोई मैच देखने, सो आई एम वेरी थ्रिल्ड, सुपर थ्रिल्ड. आई ऑलवेज एंजॉय गोइंग. मुझे ज़्यादा क्रिकेट की समझ नहीं है, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होती है ना गेम की, और जिस तरह से लोग लगे होते हैं वहाँ फील्ड पे, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर मी. आई एंजॉय. सर, आज कप्तानी वाली कर रहे हैं, तो कुछ आपने टिप दी है? मेरी टिप्स ना लें तो ही बेहतर. मैं टिप्स नहीं देती, मैं सिर्फ इंश्योर करती हूँ कि हाँ भैया मैच है, आराम आराम करके जाएं, ढंग से खा पी के जाएं, अच्छा खेले. घर के कप्तान कौन है? आप या सर? मैं. आप तो इसलिए तो मेरा टिप्स देना चाहिए आपको. हाँ, तो घर पे कुछ करवाना हो तो बोल दो, बहुत टिप्स दूंगी और डांट डांट के दूंगी. और मैम, आपको कोई फेवरेट प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम की, जिसको आप फॉलो करती हो या क्रश हो कॉलेज समय में? हमारे टाइम पे तो सचिन तेंदुलकर ही थे भाई, क्रश वाले टाइम पे. पर अभी तो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनको वरुण की वजह से, और देवक मेरा बेटा है, ये दोनों क्रिकेट प्राणी हैं हमारे घर के, तो इनकी वजह से मैं फॉलो करती हूँ. एंड ऑफ कोर्स आई लाइक सो मेनी ऑफ देम. आई थिंक आई बेसिकली लाइक स्पोर्ट्स पीपल. स्पोर्ट्स पर्सन्स आर फॉरएवर माय क्रश, क्योंकि जो मतलब खेलते हैं, जो लोग इतने फिट होते हैं, कोई स्पोर्ट्स मैन इज अ स्पोर्ट्स मैन.
it goes beyond just the sports. There's a lot that it takes to be a sportsman. So I just like them all and I wish them all the best. Ma'am, Big Boss kaafi chal raha hai. Aapke koi friend the jisko aap support kar rahi hain? Main Big Boss nahi dekhti. Koi friend bhi nahi hai Big Boss ke andar? Koi nahi hai. Agar hoga to bhi mujhe pata nahi hoga. Kyun? Main dekhti nahi. Nahi dekhti. Koi friend nahi hai aapke? Mujhe sach mein nahi pata. Okay. I really don't know. Ejaz hai, Rubina hai. Haan, Ejaz hai na? Haan, he's a dear friend, lekin maine kabhi dekha hi nahi to kya bolu. Okay, मुझे इतना पता है कि बहुत अच्छा बढ़िया इंसान है बाकी आई डोंट नो उनको काफी परेशान कर रहे बिग बॉस में लोग अरे बिग बॉस नहीं देखती मैं थैंक यू सो मच थैंक यू उनको काफी परेशान हो मशक्का हां पकड़ आज के लिए है और एक्साइटमेंट तो सी एक्साइटमेंट जो कल थी वो आज भी है एंड कल हम लोग मैच हार गए थे and we very disappointed but it's a new day new game we have to forget the loss and you know focus on the present day so puri team ready hai bahut acche se training kare mujhe bhi jaake training karni chahiye but I'm hoping that we defeat the Delhi team today and hamari team hamare paas bhi koi points hain and let's see how it goes aapke koi favorite player hai indian cricket team mein jisko aap follow karte ho indian cricket team mein yaar I've always mentioned I have a special love for Virat Kohli and love the way he approaches his game and my most favorite senior is Shikhar Dhawan just because you know he's a great great batsman and more than that he's a great senior bahut hi humble personality hai bahut hi caring hai wo aur apne liye apne jo juniors hote hain unke liye hamesha time rakhte hain he's always there to help you that's the best part about him okay sir kya shoot bhi chal raha hai aapka television aur ye dono kaise manage kar pa rahe hain सब मैनेज हो जाता है लाइफ के अंदर बिकॉज ये मेरा प्यार है क्रिकेट जो लोग मुझे जानते हैं कि जो लोग पहले से ही जानते हैं उनको पता है कि मैं क्रिकेट के लिए कितना पैशनेट हूँ कितना प्यार करता हूँ इस स्पोर्ट से सो मैं टाइम निकाल लेता हूँ मेरी प्रोडक्शन टीम को भी मालूम है कि जहाँ क्रिकेट की बात आती है भाग जाएगा बट मैं दोनों दिन शूट करके आया हूँ काम बहुत ज़रूरी है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट डूइंग अ वेरी वेरी गुड शो सो सुबह के 8-10 घंटे काम काम से सीधा क्रिकेट 3 घंटे वापस काम तो यही लाइफ है इन दिनों बिग बॉस काफी बर्स्ट कर रहा है आपको कोई फ्रेंड नो कमेंट सर आई एम नॉट वाचिंग बिग बॉस थैंक यू बात बात पर क्या मतलब वही लोग मेरे को मिल रहे हैं नहीं नहीं तुमको तो मैं आज पहला दिन है हां ये सबका पहला दिन है आज तू मैं तो पहले से सॉरी तो मैं किसी और के साथ इनको ये कर लिया नहीं नहीं मेरे को आदत है ना कि मैं वेट नहीं तो एक टाइम पे ये भी करती थी ये सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सर आपको आज मैच जीते हैं काफी बम्पर से जीते कुछ कहना चाहेंगे नथिंग यू नो आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम्स परफॉर्मेंस जिस तरह से हमने खेला है जैसे हमने बैटिंग की थी सामने वाली टीम को लगा था कि शिव अगर आउट हो जाता है तो फिर में हमारे पास बैटिंग लाइनअप नहीं है लेकिन माय ऑल सेवन बैट्समैन आर वेरी गुड बैट्समैन एंड एट दी एंड वही हुआ आखिरी में दक्ष ने कुछ छक्के मार के हमें 115 तक पहुंचा दिया और एट प्रेजेंट जो ग्राउंड की सिचुएशन और जो पिच है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी टीम टू चेज 115 बिकॉज इतना आसान नहीं है ये पिच बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है एंड जब वो ट्वाइलाइट रहता है स्पेशली जब क्या कहते हैं सूरज डूबता रहता है दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर द बैट्समैन टू फोकस एंड दैट्स व्हाट इट हैपेंड एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम्स परफॉर्मेंस सर कितनी तैयारी की थी आपने प्रैक्टिस कितना करवाया था आपने टीम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए थे और सब ने बहुत ज्यादा फोकस किया था प्रैक्टिस पे और बहुत अच्छा यू नो मेहनत की थी और जब यू नो टीम जब साथ में रहती है फोकस रहती है तभी कुछ ऐसा हो पाता है ओके सर आगे की क्या प्लानिंग है कितना आगे तो अभी कल हमारी मैच दिल्ली के साथ है अब दिल्ली वापस खेल रही है अभी चेन्नई के साथ तो हमारा पूरा फोकस अभी रहेगा कि दिल्ली के कौन से प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेल रहे हैं उन्हें स्टडी करेंगे और कल फिर में उनके लिए भी एक स्ट्रैटेजी लेकर आ जाएंगे ओके सर इसके अलावा बिग बॉस आप देख रहे हैं आप काफी अब तो ने मेन जो सवाल पूछने के लिए तो यहाँ तक आया था वो पूछ रहा है हाँ बताओ हाँ मैंने लास्ट दो तीन एपिसोड मिस कर दिए हैं लेकिन बाकी मैं ऑन एंड ऑफ देखते रहता हूँ कौन है आपकी फेवरेट कोई तो बता यार मेरे फेवरेट दिल से तो मेरे लिए यू नो अली ही रहेंगे बिकॉज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत अच्छा इंसान है सो ऑफ कोर्स यू नो मैं क्या कहते हैं अली को ही सपोर्ट करना चाहूँगा या अली काफी इमोशनल हो गया था वो शो देखा था आपने एपिसोड यस
तो कुछ बताना चाहेगी? और जैस्मिन और अली की ऐसे या बड़े कम लोग रहते जो यू नो आदमी लोग क्या है, लड़कियां फिर भी रो लेती है, आदमी है ना बहुत एकदम अपना ये जो आंसू है ना वो आखिरी तक रोक के रखता है, एंड बहुत रेयरली आपको ऐसे मर्द मिलेंगे जो अपने इमोशंस इतने ना ओपनली दिखा सके, लाइक आई एम नॉट दैट पर्सन, या फिर शायद मैं मतलब यू नो वो सिचुएशन ऐसा हो जाता, लेकिन मैं कभी ऐसा यू नो इमोशनल नहीं हो पाता हूँ, अंदर से बहुत हूँगा लेकिन मैं कभी दिखा नहीं पाता, लेकिन यू नो द अगर एक लड़का आप किसी लड़की के लिए रोता है भाई, सीधा हाथ पकड़ उसका और मंडप पे लेके जा, क्योंकि वो आपके लिए वो बंदा सबसे बेस्ट बंदा होगा। वो जो मतलब शादी हो जाएगी आपको क्या लगता है? अब देखो वो तो उनका कॉल है भाई, हम काई को आप तो अच्छे दोस्त है, राय तो दे सकते ना हम। हाँ राय तो देखिए मैं राय दे सकता हूँ, लेकिन मेरे राय के बाद रायता कुछ फैल गया तो फिर मेरे ऊपर ही ब्लेम आ जाएगा, तो मैं अभी यू नो अंदर की बात कुछ और रहती है, यू नो अब वो वापस आएंगे एंड देन यू नो आपस में बात करेंगे, वो डिसाइड करेंगे ना, लेकिन मैं तो रेडी हूँ भाई उनकी शादी में यू नो संगीत में परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।